हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे किंगफिशर्स के बारे में। इस वीडियो में आपको दिखेंगे पांच स्पीशीज किंगफिशर्स के। इसमें सबसे पहला है सबसे कॉमन वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, इसको वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर भी कहते हैं। ये सिटी लाइफ के साथ इतना ज़्यादा अडेप्ट हो चुका है कि शहरों में ऊंचे पोल्स पर और बिजली की तारों पर बैठा हुआ दिखता है। और फिश के अलावा ये जो है रेप्टाइल्स को और कीड़े मकौड़ों को ज़्यादा कॉमनली खाता है। तो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है और ये शहरों में और जंगलों में दोनों ही जगह पर इक्वली कॉमनली दिखाई देता है। इसके बाद हम आते हैं क्रेस्टेड किंगफिशर्स पे, जो कि इस फैमिली की सबसे बड़ी बर्ड है। और इसका नाम क्रेस्टेड पड़ा है क्योंकि इसके सर पे जो ये क्रेस्ट निकले हुए हैं, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। और ये उत्तराखंड में काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो ये पैर आपको दिख रहा है, ये कोटद्वार में रिकॉर्ड किया गया नवंबर के महीने में, इसलिए आपको यहाँ पर हल्की धुंध दिखाई दे रही है। तो जो क्रेस्टेड किंगफिशर्स हैं, इनकी साइटिंग जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है और ये किंगफिशर फैमिली की सबसे बड़ी बर्ड है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है साइज़ के अकॉर्डिंग, वो है स्टॉक पिल्ड किंगफिशर। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको देखा जा रहा है। और दूर से देखने पर ये थोड़ी वाइट थ्रोटेड किंगफिशर के साथ कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इनके कलर्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका जो हेड है वो ब्राउन कलर का है और उसके बाद जो नेक और फ्रंट का पोर्शन है वो येलो कलर का है। विंग्स जो है पीछे की वो ब्लूइश ग्रीन होती है, टेल भी उसी कलर का होता है और जो पैर और चोंच है वो ब्राइट रेड कलर की होती है। जितना कॉमनली ये वाटर बॉडीज के पास में पाया जाता है, उतना ही कॉमनली ये गार्डन्स और पार्क्स में पाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं बोटैनिकल गार्डन कोलकाता में, और ये भी स्टॉक बिल्ड किंगफिशर ही है जो कि किंगफिशर फैमिली का सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है। तो स्टॉक बिल्ड किंगफिशर को देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं और अब हम मिलते हैं कॉमन किंगफिशर से। तो जितना जैसे इसका नाम है कॉमन किंगफिशर, ये लेकिन इतना कॉमनली नहीं पाया जाता और ये साइज़ में किंगफिशर्स में काफ़ी छोटा होता है और छोटी मछलियों को ही खाता है। वाटर बॉडीज़ जो फास्ट फ्लोइंग वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके पास में कॉमनली जो है इसको देखा जाता है, कॉमन किंगफिशर को। इसके बाद में हम आते हैं आखिरी किंगफिशर पर, जो कि पाइड किंगफिशर है। पाइड का मतलब होता है कि ब्लैक और वाइट कलर जिसमें हो उसको पाइड कहते हैं। तो ये पाइड किंगफिशर की फीमेल है क्योंकि इसके नेक के अराउंड जो बैंड है वो इनकम्प्लीट है। और इसके साथ में जो दूसरा बैठा हुआ है वो मेल है और जो दूसरी तरफ फेस करके बैठा है, और इसके नेक के अराउंड जो बैंड था वो कंप्लीट था और ये मेल पाइड किंगफिशर है। इन पांच स्पीशीज के अलावा पांच और स्पीशीज पाई जाती हैं इंडिया में, और उसमें से मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब सुंदरबन और भीतरकनिका में जो पाए जाते हैं उसमें कॉलर्ड किंगफिशर है, और उसके अलावा ब्राउन विंग्ड और रडी किंगफिशर है, और कोंकण में पाया जाता है ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर और ब्लू ईयर्ड किंगफिशर। तो ये कुल मिला के 10 स्पीशीज हैं जो कि किंगफिशर्स की इंडिया में ऑब्जर्व की गई हैं। तो ये बहुत ही ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स होते हैं और लोग इनकी फोटोग्राफी और इनकी साइटिंग को बहुत ज़्यादा प्रिफर करते हैं।